Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what is the next major shift, next major change happening in your life, and ye major shift, ye major change kis aspect mein hoga life ke. Is baare mein ye reading hone wali hai. So let's get started with the reading now. हेलो एंड वेलकम टू दिस सेटअप. हमेशा की तरह वी आर गोना हैव थ्री पाइल्स. सो पाइल नंबर वन इज गोना बी ऑफ एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक एनीवनस अप्रूवल. पाइल नंबर टू इज बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी म्यूरल. एंड पाइल नंबर थ्री इज यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी, सेज विलन. सो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, जो भी कार्ड आपको पसंद आ रहा है, वो वाला कार्ड आपने जो है पिक करना है. जो भी कार्ड आपको अगेन अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ पास से, ताकि आप इजीली डिसाइड कर पाओ, ताकि आप देख पाओ कि कौन सा कार्ड सुंदर है, कौन से कार्ड की सीनरी आपको पसंद आ रही है. नंबर से भी अगेन यू कैन डिसाइड 12, 25, 38, जो भी नंबर आपको पसंद है, आपको अच्छा लगता है, तो आप उस नंबर से भी डिसाइड कर सकते हो. एंड अगेन, वट एवर पाइल यू आर गोना पिक, दैट्स गोना बी योर रीडिंग, दैट्स गोना बी योर पाइल. तो हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ कि आप राइट पाइल ही पिक करोगे अपने लिए. ऑल राइट, सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट, हेलो पायल नंबर वन. सो दिस इज़ योर रीडिंग. यू चोज द नंबर 12 कार्ड, एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक एनीवनस अप्रूवल. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. सो मेन टैरो से ही हम शुरू करने वाले हैं. पहले हम कार्ड्स मेन टैरो से पुल करेंगे. व्हाट इज़ द नेक्स्ट मेजर शिफ्ट व्हिच इज़ हैपनिंग इन पायल नंबर वन्स लाइफ. क्या वो नियर फ्यूचर में मेजर शिफ्ट है? ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, राइट? देन वी हैव The Five of Swords. Okay. Ten of Swords. All right. Seven of Swords. We have the devil card. End of the deck mein we have king of swords. All right. So what I feel here is that पाइल वन अलॉट इज हैपनिंग. मतलब जो फर्स्ट कार्ड जो होते हैं, जो पहले कार्ड निकल के आते हैं एंड ऑफ द डेक में, जो कार्ड होता है वो हमारी करेंट एनर्जीज या रिसेंट पास्ट को भी शो करता है. एंड व्हाट आई आल्सो फील इज कि ये वाले कार्ड्स भी कुछ रिसेंट पास्ट या फिर प्रेजेंट के बारे में हो सकते हैं. लाइक यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ फेल्ड रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ, चाहे वो पेरेंट्स के साथ ही रिलेशनशिप हो, चाहे वो सिबलिंग के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो. हमेशा आपको बड़ा या बड़प्पन दिखाना पड़ता है एंड इन रिटर्न यू आर स्टिल बैकस्टैब, यू स्टिल फील एम्प्टी, यू स्टिल फील लोनली, लेफ्ट आउट. इतना सब कुछ करने के बावजूद दूसरा खुश नहीं, दूसरे खुश नहीं आपसे.
एंड लाइक सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ लोन वुल्फ स्टाइल, जो कि ये शो कर रहा है दैट यू नो लाइक यू जस्ट वॉन्ट टू मूव अवे फ्रॉम योर होम, यू जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट अ फ्रेश इन योर लाइफ, आप एक नई बिगिनिंग करना चाहते हो. एंड द डेविल एनर्जी शोज दैट वो रिस्क लेने से यू आर काइंड ऑफ लाइक आई मे नॉट बी एबल टू टेक दिस रिस्क, मैं क्या ले पाऊंगा ये रिस्क, मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कन्फ्लिक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है. एंड ऑफ द डेक में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और ये आपकी एक तरह से इनर सेल्फ को शो कर रहा है, वॉट इज गोइंग इन द बैक ऑफ योर हेड उसको शो कर रहा है. और ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये यही शो कर रहा है दैट इंटरनली यू आर वेरी यू नो प्रैक्टिकल पर्सन, आप एक अच्छा राइट डिसीजन ले लोगे, एक प्रैक्टिकल आइडिया आपके मन में आ जाएगा और उसे आप इम्प्लीमेंट जरूर कर लोगे. सो लाइक मेजर शिफ्ट विच इज कमिंग इन योर लाइफ इज चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ People around you. आप या तो literally physically दूर जा रहे हो अपने परिवार से, लोगों से literally दूर जा रहे हो, या फिर आपने अपने आप को emotionally उनसे दूर कर लिया. Like here as well you chose this card, you chose pile one, expectations. तो you have certain expectation, आपकी दूसरे लोगों से expectation है और उस expectation की वजह से जो है आपने जो रखी उससे आपका दिल भी टूटता है, बिकॉज यू आर हेयर रेडी टू डू एवरीथिंग बट अदर पीपल जो दूसरे लोग हैं आपके अराउंड, चाहे वो आपके पेरेंट्स है, परिवार है, सिबलिंग है, दोस्त है, वो आपके लिए यहाँ पर कुछ भी करने को रेडी नहीं है जब आपको उनके सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जब आपको अपनी लाइफ में बिखराव नज़र आ रहा है, आपकी लाइफ में चीज़ें जो अच्छी नहीं चल रही, यू वॉन्ट सपोर्ट फ्रॉम योर loved ones और वो support आपको यहाँ पर जो है नहीं मिल रहा है. Even after doing everything still you know दूसरे लोग आपकी फिर भी जो है favor नहीं करे, जबकि उनके लिए आपने बहुत कुछ करा है, you still feel एक तरह से backstabbed, I did this for this person, I did that for that person, but उसके बावजूद उस person ने मेरी तरफ जो commitment थी, loyalty थी, वो नहीं निभाई. And seven of swords again shows that you are ready to move now. अब आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो. टेन ऑफ स्वॉर्ड्स भी एक एंडिंग को शो करता है और नई बिगिनिंग को शो करता है कि पेनफुल टाइम जो है वो एंड हो चुका है और अब एक अच्छा टाइम जो आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है. क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है तो क्वीन ऑफ कप्स स्पेशली इन कंजंक्शन विद द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स ये यही शो कर रहा है इमोशनल डिस्टर्बेंस. जिस इमोशनल डिस्टर्बेंस से आप डील कर रहे थे, आपका साथ किसी का साथ आपको ना मिलना और वो लाइक जो ट्रस्ट या वो फेथ था उस पर्सन से टूटना, अब वो सिचुएशन यहाँ पर ख़त्म हो रही है. वो जो एक साइकिल है लाइफ का वो ख़त्म हो गया और एक नई साइकिल जो है लाइफ की शुरू हुई है जिसके अंदर यू आर टेकिंग रिस्क और उस रिस्क टेकिंग से यू आर ऑल्सो बिकमिंग द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. यू आर ऑल्सो बिकमिंग समवन जो एक पावरफुल पोजिशन पर आ सकता है, जो एक अच्छी पोजिशन पर आ सकता है. और पाइल नंबर वन, आपको लाइफ में हर चीज अकेले करनी पड़ेगी. जो यहाँ पर कार्ड्स नजर आ रहे हैं, लाइक ऑफकोर्स टैरो हमारी करंट एनर्जीज पर बेस्ड होता है, आपकी एनर्जीज बदली तो टैरो फ्यूचर भी बदला हुआ दिखाता है, ये फैक्ट है. टैरो ऐसा ही वर्क करता है, इट्स नॉट योर एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट जो हमेशा आपको सेम इंडिकेशन देगा, नो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट आपके बर्थ पर बेस्ड है और ये आपकी एनर्जीज पर बेस्ड है. बट व्हाट आई ट्रूली फील इज पाइल वन, इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज कार्ड्स, यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो मैं महसूस कर पा रही हूँ वो यही है कि आपको हर चीज़ लाइफ में अकेली ही करनी है. आपका आपके मन में ये ख्याल बहुत बार आ सकता है या ये लाइन आप बहुत बार बोल सकते हो कि अकेली आए थे अकेले ही जाना है, किसी को साथ लेके तो आई नहीं थी इसलिए किसी को साथ लेके तो जाना नहीं है, तो अकेले आए थे अकेले जाना है, अकेले ही हर चीज़ करनी है और अकेले ही रहना है. आपकी यहाँ पर अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे लिए ये पर्सन कुछ करेगा क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत कुछ करा है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, ऐसा नहीं होने वाला है. सो लाइक यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन. और जब आपको सक्सेस मिलती है ना, लाइक व्हेन यू गेट द सीट ऑफ पावर, तो आप कहने लायक हो जाओगे सभी को कि मैं अपनी वजह से हूँ, मैं किसी और की वजह से मेरे को ये पोजिशन नहीं मिली, मैं अपनी वजह से मुझे ये पोजिशन मिली है. सो आप एक अच्छी पोजीशन पर भी जाते हो नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हो. आपको छोटी छोटी बातें आपका पीस ऑफ माइंड ही लेकर जाती है, आपको आप अपनी लाइफ पर बहुत फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपने आप को बहुत लाइक
यू नो सम पीपल, कुछ लोगों की आदत होती है वो जब कभी भी आपसे मिलेंगे तो आपके अंदर कमियां निकालेंगे, या तो आपके वर्क के अंदर कमियां निकालेंगे, अगर वो नहीं मिलती है तो आप जैसा दिखते हो, अरे आप तो पतले हो गए, अरे आप तो कमज़ोर हो गए, अरे आप तो काले हो गए, अरे आप तो ये क्या हो गया आपके फेस पर, ये क्या हो गया आपकी बॉडी, लाइक दे विल स्टार्ट टू पॉइंट दोज थिंग्स आउट जो कि है भी नहीं शायद रियलिटी में, और अगर है भी तो आपको पता है कि है मेरे को ये प्रॉब्लम्स है, ये ऐसा मैं दिख रही हूँ, पर दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी पता है. लाइक सम पीपल लाइक कैन डू दैट टू यू राइट नाउ, और फ्यूचर में भी ऐसे लोग होंगे, पर फ्यूचर में आपको उन लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके पास उन लोगों के लिए जवाब रेडी है, आपको पता है आपको क्या कहना है, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, क्या मुझे कहना चाहिए कि ये पर्सन जो है ये कहना छोड़ दे, आपको वो पता होगा, या फिर आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरे क्या कह रहे हैं. वेयर इज राइट नाउ यू आर अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा इस समय पर सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों का, लोगों की बातों का फर्क पड़ रहा है. बट एज यू आर ग्रोइंग एंड मेच्योरिंग, एज यू नो थिंग्स लाइफ प्रोग्रेसेस, आपको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और आप एक ऐसी पावरफुल पोजिशन पर हो, लाइक पीपल एनवी यू, पीपल फील जेलस ऑफ यू कि आपको ये पोजिशन मिली है, इस वजह से छोटी छोटी बातों में आपके वो कमी कमजोरी निकालेंगे, बट आपके पास अगेन या तो उनके लिए जवाब रेडी होगा या फिर आप उनकी परवाह मारनी छोड़ दोगे. एंड अगेन वी हैव द नंबर 12 हियर. नंबर 12 जो एग्जिट को शो करता है, आपने कार्ड ही एग्जिट वाला चूज करा है, जैसे नंबर 12 जो है फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस को भी शो करते हैं, नंबर 12 साइन ऑफ पाइसिस या 12th हाउस को शो करता है, जो कि मेडिटेशन रिलेटेड भी है, योगा मेडिटेशन, मेडिटेशन क्लासेस, डीएमटी एक्सपीरियंसेस, बींग इन सम अदर वर्ल्ड अदर डायमेंशन ओनली, या तो मारुआना ड्रग्स वगैरह एल्कोहल से, या फिर नेचुरल डीएमटी एक्सपीरियंस थ्रू मेडिटेशन, एक तरह से एग्जिट फ्रॉम यू नो दिस मोर्टल वर्ल्ड टू एन इमोर्टल वर्ल्ड टू सम अदर डायमेंशन ओनली, उसको 12th साइन या 12th हाउस जो है शो करता है, पाइसिस शो करता है, और पाइसिस अगेन ट्रैवल शो करता है टू डिस्टेंट फार अवे प्लेसेस, ओवरसीज ट्रैवल्स को शो करता है. तो या तो अगेन जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, या तो आप लिटरली मूव कर रहे हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हो, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ जा रहे हो, या तो फिजिकल डिस्टेंस है आपके और उन लोगों के बीच में जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, इनफैक्ट परिवार से भी दूर, क्योंकि जो 12th हाउस है पाइसिस है वो अलोन मतलब अकेलेपन को शो करता है, और एग्जिट को शो करता है, कट ऑफ को शो करता है कि हम कट ऑफ हो गए अपने घर वालों से, और घर वालों से हम तब भी कट ऑफ होते हैं जब हम फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस चले जाते हैं, जगह बदल जाती है तो भी हम कट ऑफ हो जाते हैं. तो वही चीज़ है अगेन, या तो ट्रैवल है, या फिर यू आर डूइंग सम मेडिटेशन, यू आर डूइंग सम योगा विच मेक्स यू फील दैट यू आर इन अ डिफरेंट डायमेंशन. तो ये चीज़ है. ऑलराइट, तो दिस इज समथिंग विच यू आर गेटिंग. लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स सो दैट वी गेट टू नो कि और क्या नेक्स्ट मेजर शिफ्ट है. और हाँ, ये जो मेजर शिफ्ट है चेंज ऑफ प्लेस का, या फिर आपके माइंड सेट का चेंज थ्रू मेडिटेशन, थ्रू यू नो हैविंग दोज नेचुरल डीएमटीज, ये अभी से 12 डेज बाद या फिर 12 वीक्स बाद ये मेजर शिफ्ट होगा. नंबर 12 बड़ा प्रोमिनेंट है. नंबर 12 जो 12th डेट है किसी भी मंथ की, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है पाइल नंबर 1, या फिर ऐसा भी हो सकता है लाइक 12 AM 12 PM कैन बी योर फेवरेट टाइम, कैन बी योर फेवरेट टाइम, या फिर जब भी आप घड़ी में देखते हो तो 12 बज रहे होते हैं दोपहर के या रात के, लाइक दैट कैन इवन हैपन. और यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ नंबर 12 12 12 12 12 12, मतलब 3 बार 12 या 2 बार 12, लाइक दैट 1 2 1 2 या 1 2 1 2 1 2, ऐसे रिपीटिंग नंबर्स. देन वी हैव सेल्फ वर्थ. येस, अगेन वी हैव द सीट ऑफ पावर एंड वी सी दैट यू विल गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ वर्थ. यहाँ पर ये जो बच्चा है, ये इसने इतने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, और ये इतने भी शायद अच्छे वेल टू डू परिवार से नहीं है, फाइनेंशियली वेल टू डू परिवार से नहीं है, बट ही इज़ लुकिंग एट दैट सीट ऑफ पावर. और ये सीट ऑफ पावर जो है,
इट्स लाइक अ गिफ्ट कमिंग टूवर्ड्स हिम फ्रॉम द डिवाइन, या जो भी डेस्टिनी कह लो, वट एवर इट इज, बट ये इसको जो है ये सीट ऑफ पावर मिल रही है. आई फील दैट पाइल नंबर वन, यू आर नॉट अगेन कमिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियली वेरी स्टेबल बैकग्राउंड, बट उसके बावजूद आप अपने एफर्ट्स की वजह से, अपनी मैनिफेस्टेशन की वजह से, अपनी डेस्टिनी की वजह से इससे एक सीट ऑफ पावर पर जरूर आओगे. आप एक ऐसे पर्सन हो जो रैग्स टू रिचेस जाएगा अपनी लाइफ में, जीरो से शुरू करके हंड्रेड तक पहुंचेगा, उस बड़े लेवल तक पहुंचेगा. सीट ऑफ पावर आपको यहां पर मिल सकती है. अगेन क्वीन ऑफ सॉरी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था, अगेन सीट ऑफ पावर वो भी वहां पर शो कर रहा था. यहां पर भी क्वीन ऑफ कप्स है, सीट ऑफ पावर है. तो अगर इफ यू वर लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट टू अ पोजिशन इन लाइफ, चाहे वो आप प्रमोशन चाहते थे, चाहे वो आप एक कंपनी में जॉब चाहते थे, चाहे आप कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते थे, आपको एक अच्छी पोजिशन चाहिए थी गवर्नमेंट में, अच्छी पोजिशन चाहिए थी किसी कंपनी में, तो वो भी अभी से 12 डेज या 12 वीक्स बाद आपको मिल सकती है, इसके चांसेस है. समथिंग मोर, वी हैव सर्विस, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स. अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में जा रहे हो, यू आर गिविंग कम्पिटिटिव एग्जाम गवर्नमेंट जॉब्स रिगार्डिंग कम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हो पाइल टू, तो दे आर हाई चांसेस कि आपको दिसंबर के मंथ में, या फिर अभी से 12 वीक्स फ्रॉम नाउ, या फिर 12 डेज फ्रॉम नाउ कोई अप्रूवल आ सकता है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है गवर्नमेंट जॉब के बारे में. बिकॉज सर्विस, अगेन जब कोई भी पर्सन जो है गवर्नमेंट में काम करता है तो कहता है मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, तो सर्विस जो है, सर्वेंट सर्विस कर रहा है, तो लाइक एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, दैट यू कैन प्रोवाइड सर्विस, यू कैन बी वर्किंग इन गवर्नमेंट. आप कोई और भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो पाइल नंबर वन, आप कोई टेक्नीशियन भी हो सकते हो प्रोवाइडिंग सर्विस टू अदर पीपल. एंड या विद दिस सर्विस कार्ड आई फील दैट योर like you know your perspective is also changing about life. जो major shift है वो आपके perspective में भी, आपके मन में ज़्यादा एक shift नज़र आ रहा है, मन से strong shift नज़र आ रहा है, that you want to also somehow becomes a natural philanthropist. मतलब आप दूसरों की भी सेवा करना चाहते हो, आपके अंदर एक सेवा भाव develop हो रहा है, आप दूसरों की मदद करना चाहते हो. पहले तो खुद की of course आप मदद करोगे, और फिर आप दूसरों की भी यहाँ पर मदद करना पसंद करोगे. जैसे ऑरेंज कार्ड्स यहाँ पर आए, ये भी ऑरेंज कार्ड है, ये भी ऑरेंज कार्ड है. जो ऑरेंज कलर है, इट्स द कलर ऑफ मार्स, एक्चुअली वेट, इट्स ऑरेंज कलर इज द कलर ऑफ सन, रेड कलर मार्स का होता है. यस, एस्ट्रोलॉजिकली ये है. मैनी पीपल कैन बिलीव कि मार्स का ऑरेंज है, बट ऐसा नहीं है. जो सन है उसका ऑरेंज कलर है, एंड सन इज अगेन गवर्नमेंट. तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के काफ़ी हाई चांसेस नज़र आ रहे हैं. आपके पेरेंट्स या समवन इन योर फैमिली कैन इवन बी वर्किंग इन गवर्नमेंट पाइल नंबर वन. और यहाँ पर जैसे आई फील इन योर चार्ट सैटर्न सन का कंजंक्शन हो सकता है इन द मेन बोर्ड हॉरोस्कोप, या फिर D12 चार्ट, या फिर D9 चार्ट में भी जो है सन सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है D1, D12 और D9 चार्ट में से, या फिर इवन D10 जो कि दशांशा करियर रिलेटेड चार्ट है उसके अंदर सन सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है, या फिर इन चार्ट्स में सन मार्स कंजंक्शन भी हो सकता है. उत्तरा अषाढ़ा नक्षत्र भी प्रोमिनेंट हो सकता है आपके चार्ट्स में पाइल नंबर वन मेन बोर्ड हॉरोस्कोप में, D12 में, या फिर D9 में, या फिर D10 में उत्तरा अषाढ़ा प्रोमिनेंट हो सकता है. उत्तरा अषाढ़ा डिप्लोमेसी को शो करता है, और उत्तराषाढ़ा लेटर विक्ट्रीज को शो करते हैं, यानी आपको अपनी लाइफ में लेटर यानी आफ्टर 32 विक्ट्रीज मिलनी शुरू होगी, उससे पहले विक्ट्रीज इतनी ज़्यादा नहीं होंगी. आपको हार खानी पड़ सकती है, हार फेस करनी पड़ सकती है कई चीज़ों में, काफ़ी चीज़ों में आप जीत भी जाओगे पर काफ़ी चीज़ों में आपको हार भी मिलेगी, बट आफ्टर 32 विक्ट्रीज ही विक्ट्रीज होंगे फिर, अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो तो. अगर आप किसी का गलत नहीं कर रहे हो तो आपका कोई गलत नहीं कर सकता फिर 32 के बाद विद उत्तराषाढ़ा. और उत्तराषाढ़ा गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स को भी शो करता है. सो एंड इवन वर्किंग इन आर्मी, वर्किंग अगेन फॉर गवर्नमेंट, उन चीज़ों को शो करता है, उन प्रोफेशंस को शो करता है. तो वैसे प्रोफेशंस में आप यहाँ नज़र आ रहे हो, गवर्नमेंट में आप काम कर सकते हो अगेन, या फिर आर्मी, नेवी, मतलब इन जगहों पर भी आप काम कर सकते हो. एंड मैनी ऑफ यू कैन इवन वर्क एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ लाइफ कोच एज वेल, वो भी चीज़ है, क्योंकि आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ भी है. हॉस्पिटैलिटी में वर्क करना, वो सब भी यहाँ प्रोफेशन नज़र आ रहे हैं. खैर, ये है मेजर शिफ्ट के बारे में रीडिंग. और क्या मेजर शिफ्ट यहाँ पर है? सो वी हैव द वाइज वुमन ऑफ वंडरलैंड. इट सेज इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज. सो सी, वाइज वुमन ऑफ वंडरलैंड,
कॉम्प्रोमाइज भी यहाँ पर है. वाइज जो पर्सन होता है वो कॉम्प्रोमाइज भी करता है, वो रिजिड नहीं होता, वो अड़ नहीं जाता. जिसकी सुई अड़ जाती है वो पहली बात तो वाइज है ही नहीं. तो लाइक यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू बिकम मोर वाइजर. दैट्स लाइक अगर विजडम वाला पर्सन कहलाना है, वाइज होना है, तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज. जो हर जगह मोल्ड हो जाए वही रियल गोल्ड है. सो लाइक यू हैव टू हैव दिस कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी और दिस फ्लेक्सिबल क्वालिटी विद इन यू. एंड येस यू आर बिकमिंग अ वाइज मैन और अ वाइज वुमन. यू आर इस दुनिया के आप वाइज पर्सन, वाइज वुमन, मैन बन रहे हो. पाइल नंबर वन इज ऑल्सो अ मेजर शिफ्ट विच इज गोना हैपन. अब बहुत जल्दी बड़े होने वाले हो पाइल वन. जल्दी इन द सेंस जल्दी बड़ा होना, यानी कि अपनी उम्र से पहले ही आप काफ़ी मैच्योर हो जाओगे पाइल नंबर वन. देन वी हैव द क्वीन ऑफ लाइट, इल्यूमिनेशन, इनलाइटनमेंट, सेलिब्रेशन. सो यू आर बिकमिंग द क्वीन ऑफ लाइट, मतलब क्वीन ऑफ क्लैरिटी. आप बहुत ज़्यादा क्लियर बनते जा रहे हो अपनी लाइफ में कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है. और आप दूसरे लोगों की लाइफ में भी क्लैरिटी लेकर आ रहे हो. एक तरह से यू आर सीइंग द बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन. और आप तोल के, मतलब हर चीज़ को देखकर, उसका वज़न नाप के हर सिचुएशन का, फिर उसके बाद कोई रिजल्ट पे पहुंचते हो, फिर उसके बाद कोई डिसीजन पे पहुंचते हो. वन साइडेड नहीं हो. That can be seen and you know what you are doing. You have that clarity within you कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. तो ये major shift आपके अंदर आ रहा है. एक decisiveness नहीं है या एक indecision नहीं है आपके अंदर. आपको पता है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और कब करना है, किससे बात करनी है और किससे बात नहीं करनी है, और कैसे बात करनी है. Like you are having all that information or wisdom within you. और अब दूसरे लोगों का path भी जो है enlighten करते हुए निकल रहे हो. अब दूसरे लोगों का path भी जो हो क्लियर करते हुए निकल रहे हो. उनको भी क्लैरिटी मिलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है आपके थ्रू. यू आर दी लाइट हाउस फॉर अदर पीपल, फॉर शिप्स एंड प्लेन्स. आप एक फॉर पीपल यू आर लाइट हाउस. आप दूसरे लोगों को गाइड कर रहे हो. ये भी आपके अंदर मेजर शिफ्ट आ रही है. हो सकता है अभी आपके पास वो खुद के अंदर क्लैरिटी ना हो, पर अभी से 12 वीक्स या 12 डेज फ्रॉम नाउ यू आर वेरी क्लियर कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना. सो ये यहाँ समझ आ रहा है. अगेन आर्द्रा नक्षत्र इज ऑल्सो अबाउट लाइट हाउस, गाइडिंग अदर पीपल. इट्स ऑल्सो अ नक्षत्र विच शोज कि आप आउटकास्ट हो अपने परिवार में. आपका बिलीफ सिस्टम अपने पेरेंट्स के बिलीफ सिस्टम से बिल्कुल नहीं मिलने वाला, क्योंकि आर्द्रा अगेन राहु रूल्ड नक्षत्र है और राहु आउटकास्ट है. अश्लेषा इवन दो राहु रूल्ड नक्षत्र नहीं है, पर उसकी कास्ट ही आउटकास्ट है. जैसे हर नक्षत्र की अपनी कास्ट है, अश्लेषा की आउटकास्ट कास्ट है. आर्द्रा सतभिशाख स्वाति ये राहु रूल नक्षत्र है, तो ये जिसका भी सन मून राइजिंग आत्मा कार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन द चार्ट असेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड इन नक्षत्रस में हुआ, तो आर्द्रा सतभिशाख स्वाति में हुआ, यानी जेमिनी एक्वेरियस लीब्रा में हुआ रिस्पेक्टिवली. तो वो लोग आउटकास्ट होंगे अपने परिवार में, और ये नक्षत्रस यहाँ पर प्रोमिनेंट भी नज़र आ रहे हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर क्या और इन्फॉर्मेशन है अबाउट द मेजर शिफ्ट और समथिंग एल्स फॉर पाइल नंबर वन. वी हैव द सीक्रेट मैरिज. लाइक यहाँ पर मेरे को रियल रियल मैरिज की बात नहीं नज़र आ रही. यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि लाइक यू आर मैरिड टू योर वर्क. यू आर लिटरली मैरिड टू योर वर्क. ये एक बदलाव आपके अंदर आ रहा है कि आप अपने करियर को, आप अपनी एजुकेशन को, अपना समय देना चाहते हो. और यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर करियर, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर एजुकेशन, और यू आर इन लव विद योर करियर. वट एवर यू आर गोना डू, यू आर गोना बी इन लव विद इट. जो भी आप एफर्ट कर रहे हो अपने करियर पे, करियर में, करियर के बारे में, आप जो भी काम कर रहे हो, कर जिस भी करियर में हो, यू आर इन लव विद इट. यू आर वेरी कमिटेड टू दैट करियर और आपका मन लगता है उस करियर में. सो वर्क इज़ वर्शिप फॉर यू राइट नाउ. दैट कैन बी सीन. अगर आप ये सोचते थे मेरे को मेरा वर्क पसंद नहीं, तो आने वाला समय जो है अभी से 12 दिन बाद या फिर 12 हफ्तों बाद आपको ऐसा लगेगा दैट आई लव माई वर्क, वर्क इज़ वर्शिप फॉर मी, आई एम मैरिड टू माई वर्क. लिटरली किसी के लिए मैरिज भी हो सकती है पाइल नंबर वन. आप में से कुछ लोग सच में मैरिज भी कर सकते हो. दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन. हो सकता है मैरिज के बारे में भी आपके लिए गुड न्यूज़ आए अभी से 12 डेज या 12
वीक्स बाद, या फिर दिसंबर के मंथ में भी ये हो सकता है कि आपके लिए मैरिज के बारे में, लव रिलेशनशिप, रोमांस के बारे में, कमिटमेंट के बारे में अगेन गुड न्यूज़ आए. ऑल राइट, सो या दैट वॉज इट. दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर वन. एंड अगेन एस्ट्रोलॉजिकली देखे, सन मून राइजिंग आत्मा कारका, प्लैनेट होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, असेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड, कैन बी इन द साइन ऑफ जेमिनी, लीब्रा और सेजिटेरियस, केप्रिकॉर्न और एक्वेरियस. तो ये जो साइंस है ये प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं मेन बर्थ हॉरोस्कोप में और D10 चार्ट में, D9 चार्ट में या D12 चार्ट में प्लैनेट्स इसमें प्लेस्ड होंगे. और वैसे तो अगेन हर साइन में तीन नक्षत्रज होते ही हैं. तो जेमिनी में जैसे मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वासु, फिर लीब्रा में वी हैव चित्रा, स्वाति, विशाखा. जो सेजिटेरियस है उसके अंदर मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा अषाढ़ा. और जो एक्वेरियस है उसके अंदर वी हैव धनिष्ठा, सतविशाख एंड पूर्वा भद्रपदा. तो ये नक्षत्र आज भी प्रोमिनेंट होंगे, इसमें भी प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. ऑल राइट, सो या दैट वॉज इट. दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर वन. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो वॉट यू फील अबाउट योर रीडिंग, हाउ इट रेजनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. लेट मी नो एंड ऑल्सो राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. ऑल्सो लाइक दिस वीडियो रीडिंग एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग, आई डू एस्ट्रो टैरो रीडिंग एंड नक्षत्र कुंडली रीडिंग. यू कैन बुक योर सेल्फ फॉर रीडिंग फ्रॉम माई वेबसाइट. द लिंक टू माई वेबसाइट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number one. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number two. So this is your reading. You chose the number 25. We have be your own first priority, mural. So let's get started with your reading. So main tarot se hum shuru karne wale hain. So, yeah. What is the next major shift for pile number two? क्या उनकी life में major shift आ रहा है? Pile number two की life में क्या major shift है? Pile number two. Okay, we have the Queen of Wands. Okay, all right. Life has been quite busy for you. You have been a busy bee in the recent times, currently as well. Then we have the Five of Wands. Okay, कुछ conflicts भी या तो आपके मन में चल रहे हैं या फिर लड़ाई झगड़ा परिवार, करियर में, ऑफिस में चल सकता है, या फिर अगर ये इनर कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है. People are really admiring you, pile number two. आप बहुत एक hard worker यहाँ नज़र आ रहे हो. Recent past, yeah, currently you're doing a lot of hard work and you're being very busy, extremely busy. Matlab kaam se bhi, physically also you're quite busy, you're doing things, you're moving around. But man se bhi aap bahut busy nazar aa rahe ho, bahut sare thoughts aapke man mein chal rahe hain. We have the Eight of Cups. Journey is on the cards. You're trying to move on from something and yes, aap move on kar jaoge. Then we have the King of Swords. Okay, you are being practical as well. Practical approach ke saath aap chal rahe ho. Good. That's nice. You are finding humor in difficult situation as well. Matlab aap positive cheezon par jo dhyan rakh rahe ho, positive. एक नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव चीज़ आपको मिल जाती है, विच इज़ अ गुड थिंग. या फिर एक ही शिफ्ट आ सकता है आपके अंदर जहाँ पर आप नेगेटिव सिचुएशन के अंदर भी पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लोगे. देन वी हैव द नाइन ऑफ वॉन्ड्स. नाइन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर पावर ऑफ रेजिलियंस को शो कर रहे हैं. नाइन ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहा है दैट यू आर मे बी राइट नाउ नॉट गोइंग विद द फ्लो. आप अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हो. आप जैसे सोसाइटी के जो नियम कानून है उसको तोड़ के निकल रहे हो और अपने नियम कानून बनाना चाहते हो. एंड यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ जैसे थक गए हैं, बहुत हो गया है, लाइक थक गए हैं, अब तो ये ख़त्म हो, ये एक वॉर जो चल रही है अब तो ये ख़त्म हो. लाइक यू आर एट वॉर राइट नाउ विद समवन या फिर समथिंग, जिस अगेन एक वॉर, एक फाइट चल रही है एंड यू आर लाइक ये कब ख़त्म होगा और होगा भी कि नहीं होगा.
देन वी हैव द टावर कार्ड इन द एंड ऑफ द डेक. यू आर रेडी फॉर वेट 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 आई फील पाइल टू जैसे आपके मन में एक ये चीज़ हमेशा बनी रहती है कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, ये नेगेटिव चीज़ ना हो जाए वो नेगेटिव चीज़ ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, और अगर हो गया तो क्या करेंगे क्या करेंगे, लाइक. और या फिर ऐसे ड्रीम्स भी जो नेगेटिव हैं, जो अच्छे नहीं हैं, आपका पीस ऑफ माइंड लेकर चले जाते हैं. जो एंड ऑफ द डेक में कार्ड होता है ना, वो आपकी इनर सेल्फ को शो करता है, व्हाट इज़ गोइंग इन द बैक ऑफ योर हेड उसको शो करता है. तो जैसे ये भी एक तरह से OCD है, ये भी OCD है, मन की OCD है कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, नेगेटिव थॉट्स आते रहना, अपने थॉट्स पर कंट्रोल खो देना, कंट्रोल ही ना होना, सोच पर ही कंट्रोल ना होना अपनी, कि मैं क्या सोच रहा हूँ उस पर ही नहीं कंट्रोल. एंड अगेन आई टोल्ड यू दिस थिंग विद द 5 of Wands एज वेल, कि आपके बहुत यू नो सोच विचार अंदर चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है. अगेन ये कन्फ्लिक्ट घर पर भी हो सकता है, घर वालों के साथ भी हो सकता है, या करियर में ऑफिस वालों के साथ भी ये कन्फ्लिक्ट्स चल सकता है, फाइट आर्ग्यूमेंट चल सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये कन्फ्लिक्ट अंदर नज़र आ रहा है. कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स बाहर भी हो सकता है, परिवार के साथ करियर में, या बट ज़्यादातर लोगों के लिए ये कन्फ्लिक्ट इनवर्ड्स है, अंदर है. सो जो मेजर शिफ्ट यहाँ पर आ रहा है पाइल नंबर 2, इट्स अबाउट टाइम कि जहाँ पर अब आपकी चलने लगेगी, आपकी लाइफ में आप खुद डिसीजन ले पाओगे. आई फील कि आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करा गया है कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना, ऐसा बिहेव करना है ऐसा नहीं करना बिहेव, ये काम करना है वो काम नहीं करना है, ऐसा करना है और वैसा ही और वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है, जो मैं कह रही हूँ वो करना है. लाइक इस तरह के लोगों से, कंट्रोलिंग जो कंट्रोल करते हैं आपको, या जिनका नेचर ही कंट्रोलिंग वाला नेचर है, उनके साथ आपका मेल मिलापा ज़रा ज़्यादा है. और आपके कॉन्ट्रैक्ट, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों के ज़्यादा है जिन उन लोगों के साथ ज़्यादा है जो लोग बहुत कंट्रोलिंग है, और जो लोग थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, और वी कैन से जो कहते ना कि ये इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, पायलट बनो, दैट्स इट, यही करियर है, मतलब उस टाइप के लोगों के साथ आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, तभी आप इस तरह के घर में भी पैदा हो सकते हो. एक पाइल नंबर 2, यू कैन बी, योर पेरेंट्स कैन बी प्रोफेसर्स, योर पेरेंट्स कैन बी हाईली एजुकेटेड पीपल, और योर पेरेंट्स कैन बी द पीपल जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं और अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हैं, या फिर अगर वो पढ़ाई में अच्छे भी नहीं रहे हैं तब भी उनको जॉब्स मिल गई हैं, अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, या फिर अच्छी वेल जिससे अच्छी अर्निंग होती है वैसी उनके पास जॉब्स हैं, एंड दे एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम यू, वेर एज आप वो पर्सन नहीं हो. चाहे माँ बाप डॉक्टर्स हैं, चाहे माँ बाप डॉक्टर इंजीनियर हैं, उनका बच्चा इन्फ्लुएंसर निकल सकता है, उनका बच्चा एक टैरो कार्ड रीडर निकल सकता है, उनका बच्चा कोई और फैशन ब्यूटी डिज़ाइनिंग कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, या वो फैशन डिज़ाइनर आर्किटेक्ट बन सकता है. बट लाइक समहाउ योर पेरेंट्स और योर फैमिली इन जनरल आर वेरी अगेंस्ट योर पैशन. पाइल नंबर 2, वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है आपके पैशन के लिए. अगेन यू कैन बी पैशनेट अबाउट सिंगिंग, म्यूजिक, डांस, यू कैन बी पैशनेट, लाइक यू आर वेरी पैशनेट पर्सन. पाइल नंबर 2, आप घुट घुट के और नहीं जी सकते हो, आप वो मेन स्ट्रीम चीज़ फॉलो नहीं कर सकते हो, आप रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी के तोड़ोगे, एंड समहाउ आपने बहुत अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करी. अगेन ये भी हो सकता है कि आप एक लव मैरिज करना चाहते हो पर आपके पेरेंट्स जो है वो मान नहीं रहे हैं, और आपको, या फिर आपने अभी तक उन्हें बताया ही नहीं है, बिकॉज यू नो योर पेरेंट्स, यू नो योर फैमिली. और अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ट्स पैशन को शो करता है, तो आप किसी ना किसी चीज़ को लेके बड़ा पैशनेट हो, एंड यू आर इन दिस इनर कन्फ्लिक्ट कि मैं अपने माँ बाप को बताऊँ या ना बताऊँ, इस रिलेशनशिप के बारे में बताऊँ या ना बताऊँ, इस शौक के बारे में बताऊँ या ना बताऊँ, इस स्किल के बारे में क्या वो मुझे अंडरस्टैंड करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर अगर बता चुके तो घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और आप या फिर आपके परिवार वाले फिर उस कॉन्वर्सेशन से उठ के चले जाते हैं, लिटरली उठ के चले जाते हैं.
एंड हियर एट ऑफ कप शोज दैट जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है वो यही है कि आप शायद अपना जो जिस जगह पर आप रहते हो वो जगह छोड़ के चले जाओ, बिकॉज आपको उस जगह पर अपने पैशन रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही हैं, इस वजह से यू चेंज योर रेजिडेंस, यू चेंज योर प्लेस ऑफ लिविंग। और फिर जिस नई जगह पर आप जाते हो उस नई जगह पर आप काफ़ी प्रैक्टिकलिटी सीखते हो कि अरे हाँ घर का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, और कई सारी चीज़ें होती है जो घर की संभालनी होती है और उसमें मनी भी जाता है। देन यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकलिटी एंड रियलिटी ऑफ लाइफ। एंड उसके बाद विद द नाइन ऑफ वांड्स स्ट्रगल यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहा है कि आप अपने उस पैशन की वजह से स्ट्रगल कर रहे हो, और उस काफ़ी स्ट्रगल के बाद सडनली जो है द टावर शोज सडन चेंज, इट शोज सडन चेंज। और उस लाइक उस काफ़ी ज़्यादा उस स्ट्रगल के बाद यू विल बिल्ड योर कासल, यू विल गेट दैट स्टेबिलिटी, आपको चांस मिलेगा अपनी क्रिएटिविटी को शो करने का, पीपल विल रियली अप्रिशिएट योर क्रिएटिविटी। पर ये सब कुछ करने के लिए जो है यू हैव टू मेक योर सेल्फ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको अपनी खुशी, अपनी लाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी करना पड़ेगा, ये आपके लिए गाइडेंस है। बट जो मेजर शिफ्ट नज़र आ रहा है, मतलब जो होगा ही होगा, मेजर शिफ्ट जो होगा ही होगा, वो यही आ रहा है दैट ये सिचुएशन हो रही है जहाँ पर आप ये बात बता रहे हो कि मैं इस चीज़ के लिए पैशनेट हूँ, मुझे ये काम करना है। एंड ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर टू कि जो आपके पेरेंट्स ने आपको काम दिया या लाइन पकड़ाई है या फील्ड ऑफ वर्क पकड़ाया कि इस फील्ड में काम करना है, अब वो फील्ड भी कंटिन्यू रखो और साथ ही साथ आप अपने पैशन रिगार्डिंग भी कोई काम करते रहो। तो ये चीज़ भी, मतलब दोनों भी यहाँ पर हो सकते हैं, डुअल इनकम भी यहाँ पर हो सकती है पाइल नंबर टू, मतलब एक से ज़्यादा आप काम कर सकते हो, एक से ज़्यादा आपकी इनकम हो, एक जगह से इनकम नहीं है, एक से ज़्यादा जगह से इनकम है, एक से ज़्यादा करियर्स हैं। जैसे साइन ऑफ जेमिनी अगर 10th हाउस ऑफ करियर में है, या फिर साइन ऑफ जेमिनी जो है 11th हाउस ऑफ गेन्स फ्रॉम करियर्स में है इन योर बर्थ चार्ट, या फिर इन द दशांश, या फिर इन द नवांश, या फिर इन द D12 एज वेल, तो यही इंडिकेट करता है जेमिनी डुअल साइन है, यानी डुअल करियर्स। और जैसे 10th हाउस में अगर जेमिनी है तो डुअल करियर्स को शो करता है, 11th हाउस में जेमिनी यानी कि एक से ज़्यादा जगहों से इनकम आ रही है, चाहे करियर दो नहीं है पर फिर भी एक से ज़्यादा जगहों से इनकम आ रही है। पर्सन का एक करियर है बट उसको मनी एक से ज़्यादा जगह से आ रहा है, यानी कि एक तो अपनी वर्क से, अपने बिजनेस, अपनी जॉब से आ रहा है, और दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है उस पर्सन के पास एंसेस्ट्रल लैंड्स है और हर साल उसका किराया आता है, हर साल उससे कुछ गेन होता ही होता है, तो डुअल इनकम्स है। तो कोई ऐसी सिचुएशन भी होती है, यू कैन हैव दिस प्लानेटरी प्लेसमेंट और आई शुड से साइन प्लेसमेंट इन योर चार्ट पाइल नंबर टू। यहाँ पर लेट्स टेक सम मोर इन्फॉर्मेशन पाइल नंबर टू की लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट है। पाइल नंबर टू, समथिंग इज अबाउट टू कम, लाइक सम यू आर गोना टेल समथिंग टू योर फैमिली, मतलब आप अपने बारे में अपने परिवार को कोई चीज़ बताओगे जो आप बहुत पहले से बताना चाहते थे, बहुत समय से बताना चाहते थे, और अपने पैशन रिगार्डिंग अब आप स्टेप स्ट्रांगली लेना शुरू कर दोगे, सीरियस लेना शुरू कर दोगे अपने पैशन को। देन वी हैव द ओके आई वोंट बी एबल टू प्रोनाउंस दिस टर्म, सो वट एवर इट इज, वी हैव दिस मैन होल्डिंग हैंड्स विद दिस चाइल्ड, लाइक सपोर्टिंग हिम, ही सपोर्टिंग हिज फादर, फादर सपोर्टिंग हिम, दे आर इन कंपनी, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, कहते हैं दिल से दिल की बात यहाँ पर हो रही है। वी हैव द क्लाउड्स एज वेल, एक तरह से आपका सपना रहा है पाइल नंबर टू कि आपके सपने को सच करने के लिए आपके माँ बाप आपका साथ दें, ये कहीं ना कहीं आपका ड्रीम रहा है, एंड दिस ड्रीम इज गना कम ट्रू। आपके पेरेंट्स या आपके लव्ड वंस आपकी जो है वो चाह को देखें कि आप अपनी चाह को पूरी करने के लिए, अपनी शौक को पूरे करने के लिए, आप अपने उस फील्ड में करियर बनाने के लिए क्या कुछ करने को रेडी नहीं हो, दे आर गोना दे विल देन सी आपकी वो डिटर्मिनेशन उस चीज़ के लिए।
आपके खुद के पेरेंट्स की भी कुछ ऐसी इच्छाएं रही होगी बचपन में कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये मैं करियर फॉलो करना चाहता हूँ, बट उनके पेरेंट्स ने यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपके पेरेंट्स को वो चीज़ में जाने ही नहीं दिया, उस करियर में जाने ही नहीं दिया, एंड समहाउ आपके पेरेंट्स भी आपके पैशन आपके करियर के अगेंस्ट थे, बट देन जब उन्होंने आपकी डिटर्मिनेशन देखी तो वो आपका साथ देने को फिर रेडी हो जाएंगे। हो सकता है एक बार के लिए आपको ऐसा लगे कि उन्होंने मुझे बिल्कुल ही छोड़ दिया है, बिल्कुल ही नील हो गया उनके एक्सपेक्टेशन मेरे से वो बात नहीं करना चाहते, बट एक्चुअली दे विल सी कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, दे विल सी कि आप कितना डिटरमाइंड हो, और वो आपका कदम कदम पर फिर साथ देना शुरू करेंगे, लिटरली वो आपका साथ देना शुरू करेंगे, बट फर्स्ट यू हैव टू लेट देम नो कि आई वॉन्ट टू डू दिस, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, और आप ये फर्स्ट स्टेप लेते हुए भी नज़र आ रहे हो। कब लेते हुए नज़र आ रहे हो? ऐसे कि 25th डेट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है जिस दिन आप ये बात बताओ, किसी भी मंथ की 25th डेट। एंड आई से जो नंबर 7 है, अगेन 5 and 2, 6, 7, तो अभी से 7 days बाद या 7 weeks बाद भी आप अपने पेरेंट्स को ये बात बता सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, आप अपने लव्ड वंस को बात बताओ। सो दैट इज़ हैपनिंग। मैनी ऑफ यू आर बिकमिंग वेरी गुड एंटरप्रेन्योर्स एज वेल, मैनी ऑफ यू आर ग्रेट आर्टिस्ट, ये बड़ी आर्टिस्टिक पाइल है, पाइल नंबर 2, आप लोग आर्टिस्ट हो, दैट्स वाई यू ऑल्सो चोज दिस कार्ड नंबर 25, ये भी आर्टिस्ट यहाँ पर शोर है, यू आर दैट आर्टिस्टिक पर्सन, पाइल 2 आर्टिस्टिक पाइल है ये, जिसमें स्ट्रगल भी नज़र आ रहा है बट साथ में विक्ट्री भी यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी भी उस करियर में, उस पैशन वाले रिलेटेड करियर में आपको जो है स्टेबिलिटी भी मिलेगी, मनी भी आप अर्न करोगे उसमें। देन वी हैव द गॉसिप कार्ड, सो या हेयर एज वेल सी अ पेंट ब्रश, अगेन आर्टिस्टिक थिंग, अगेन इट कैन बी पेंटिंग, आर्ट्स, म्यूजिक, डिजाइनिंग, फैशन, एनी आर्टिस्टिक थिंग, यहाँ ये आर्टिस्ट की पाइल है। तो गॉसिप कार्ड जो है यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट जो सोसाइटी है, मतलब चार लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, अगर आप इन चीज़ों में ही पड़े रहे, इन चीज़ों में ही रमन करते रहे, इन चीज़ों में ही आप सोचते रहे, तो कुछ नहीं हो सकता है। समहाउ जो मेजर शिफ्ट आ रहा है आपके अंदर और आपके परिवार के अंदर भी, आपके सपोर्ट सिस्टम के अंदर भी, कि वो ये गॉसिप के बारे में लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में लोक लज के बारे में सोचना बंद कर देंगे, और आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीते हुए नज़र आ रहे हो, और आपके लव्ड वंस भी एक अच्छी लाइफ ही जीते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर लोग क्या कहेंगे ये बात ही नहीं है, ये बात ही ख़त्म है। एंड समथिंग मोर फॉर पाइल नंबर 2, अगेन जैसे ये येलो कार्ड है, ग्रीन कार्ड है, जो ग्रीन कलर है वो मर्क्यूरी का होता है, जो येलो कलर होता है वो जुपिटर का होता है, तो जुपिटर और मर्क्यूरी का कंजंक्शन आपके चार्ट में हो सकता है D1, D9, D12 या फिर D10 चार्ट में, और जुपिटर मर्क्यूरी दोनों ही जो है एजुकेशन के सिग्निफिकेटर हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एजुकेशन की वजह से भी अपने घर से दूर चले जाओ, अपने होमलैंड से दूर चले जाओ, और जो भी क्रिएटिव फील्ड है इसके लिए भी आप एजुकेशन लो, इसके लिए भी आप एक कोर्स करो, इसके लिए भी आप अपनी स्किल को पॉलिश करने के लिए अगेन कोई कोर्स करो, कोई एजुकेशन लो, दैट कैन इवन हैपन, एंड योर पेरेंट्स आर गोना हेल्प यू इन दैट, दे विल हेल्प यू इन दैट। अगेन वी सी अ होम एंड वी सी सम ट्रैवल, तो आप अपने घर से दूर ही यहाँ जाते हुए जो नज़र आ रहे हो, ताकि आप अपना स्किल पॉलिश कर सको, ताकि आप अपने लाइफ में कुछ बन सको। अगेन यू कैन हैव राहु केतु इन द 4-10 एक्सिस इन द मेन बर्थ होरोस्कोप या फिर D12 में या फिर D9 चार्ट में। राहु केतु अगर 4-10 एक्सिस में है, यही शो करते हैं दैट यू डील विद साइकोलॉजिकल इश्यूज इन योर लाइफ, मेंटल हेल्थ अप्स एंड डाउन्स, बट ऑल्सो इट शोज कि आप अपनी लाइफ में अपने होमलैंड में नहीं रहोगे, अपने होमलैंड से दूर जाओगे, और फिर दूर जाके कोई काम करना अपना करियर का भाग्योदय करोगे। आपका होमलैंड में कुछ नहीं बन सकता, आपको होमलैंड से दूर जाना ही पड़ेगा कुछ लाइफ में बनने के लिए, करियर में करने के लिए। देन वी हैव द ऑल्टर प्रीस्टेस एंड इट सेज preparation, prayer, sacred ritual. So here as well we have the, you know, term preparation. So you have to prepare yourself emotionally, mentally, psychologically, physically. So
आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको अपने पेरेंट्स को ये बात बतानी है कि यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस थिंग. आपके पेरेंट्स भी आपके लिए प्रिपेयर करेंगे, आप भी अपने पेरेंट्स को, आप भी अपने आप को प्रिपेयर करो पहली बात तो, अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बताने के लिए, अपने सपोर्ट सिस्टम को ये चीज़ें बताने के लिए. और उसके बाद पेरेंट्स आपके लिए प्रिपेयर करेंगे कि फ्यूचर की कैसा करना है, क्या करना है, क्या टिकट बुक करनी है, कौन से एडमिशन कहाँ लेनी है, देन दे विल प्रिपेयर ऑल दैट थिंग. हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर करियर, तो राइट एजुकेशन लेना, राइट गाइडेंस लेना, अपने स्किल्स को पॉलिश करना. सो आपका जो करियर है ना पाइल नंबर टू, वो आपकी एजुकेशन से बनेगा. कितने ही टाइम हम ये देखते हैं कि किसी ने एजुकेशन तो जो है वो मेडिकल एजुकेशन ली है, या इंजीनियर थे उन्होंने एजुकेशन ली है, कर वो कोई और ही काम रहे हैं. वी सी दिस हैपनिंग, बट इन योर केस ऐसा नहीं है. अब जो एजुकेशन लोगे ना उसी से ही आपका करियर होगा. इट कैन हैपन दैट सन इज इन द केप्रिकॉन साइन इन योर चार्ट पाइल नंबर वन इन द मेन बोर्ड होरोस्कोप, या फिर D9 या D12 चार्ट में, या फिर सन जो है वो 10th हाउस में प्लेस्ड है. सन मर्करी कंजंक्शन है, बुध आदित्य योग है 10th हाउस में. अपने एफर्ट्स से आप कुछ करोगे, किसी और के एफर्ट से, किसी और की सिफारिश से आपका कुछ नहीं होगा. आपको खुद ही अपने एफर्ट से हर चीज़ करनी पड़ेगी और उसी से आपको सक्सेस मिलेगी. बट सन मर्करी कंजंक्शन 10th हाउस में, स्पेशली अगर सन केप्रिकॉर्न साइन में, वो उस पर्सन की एजुकेशन ही उसे कुछ बनाएगी. अगर इफ़ यू आर अ वर्गो राइजिंग, वर्गो असेंडेंट पर्सन हो, तो केप्रिकॉर्न साइन 5th हाउस ऑफ एजुकेशन में, और अगर 5th हाउस में सन है, तो सन जो है वो आपका 11th हाउस जो है रूल कर रहा है, स्लीप का हाउस रूल कर रहा है. जब जितना आप पढ़ोगे उतनी आपका पीस ऑफ माइंड जो है बना रहेगा, और उतना करियर आपका फ्लरिश करता रहेगा. क्योंकि अगर मन एट पीस है तो आपके जो एफर्ट्स होंगे वो राइट डायरेक्शन में होंगे, आप राइट डिसीजन ले पाओगे. एक काम माइंड ही राइट डिसीजन ले सकता है. सो अगेन, सन कैन बी इन द साइन ऑफ केप्रिकॉर्न इन योर चार्ट पाइल नंबर टू. यहाँ पर कुछ और इंडिकेशन. ओके, वी हैव द लेडी ऑफ द मिरर. इट सेज रिफ्लेक्शन, नॉन जजमेंट. सो आई टोल्ड यू कि जजमेंट अगर कोई पास भी कर रहा है तो उसकी कोई परवाह नहीं है, ना आपको, ना आपके सपोर्ट सिस्टम को, परिवार को, किसी की वो परवाह नहीं है. लाइक यू डू वट एवर यू वॉन्ट डू, यू डू वट यू आर स्किल्ड एट. जो आपके अंदर स्किल है ना, ये मुश्किल होता है जब हम अपने अंदर कोई नई स्किल डेवलप करें, और ये ईजी होता है जब हम अपनी जो अंदर स्किल है उसको पॉलिश करें. जो पॉलिश कर रहे हैं ना हम स्किल अपने अंदर, वो नेचुरल है. और जो हम अभी अपने स्किल अंदर क्रिएट कर रहे हैं वो नेचुरल नहीं है, यानी वो किसी टाइम भूल जाएगी आपको. तो यहाँ पर गाइडेंस भी है, अपने आप को देखो. रिफ्लेक्शन का कार्ड है, अपने आप को देखो. मिरर का कार्ड है, अपने आप को देखो. आप में क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर स्किल्स हैं, उनको इम्प्रूव करो. अपने आप पर फोकस करो कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. और जो ये मेजर शिफ्ट है ना, ये आपको अपने आप की स्किल्स को दिखाएगा. एक तरह से ये मेजर शिफ्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है. अभी से 7 वीक्स बाद या 7 मंथ्स बाद आप ये शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये प्रैक्टिकल रियलिटी में चीज़ें, ये जो मैंने अभी बताई, कन्वर्ट हो जाएगी. बट विद इन 7 वीक्स आप सेल्फ रिफ्लेक्शन का काम करोगे. आप एक तरह से अपने आप में जो कमी कमजोरी है और जो क्वालिटीज़ हैं उनको आप देखने वाले हो. अपने आप पर आप फोकस कर रहे हो, और जब अपने आप को जान लेते हो, आप यू नो व्हाट स्किल्स यू हैव, देन यू स्टार्ट टू पॉलिश देम. तो ये यहाँ पर नजर आ, विदाउट एनी जजमेंट, यू आर गोना, यू नो, लाइक यू आर नॉट गोना फील जज्ड कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है. ये आपको बिल्कुल भी मैटर नहीं कर रहा है. दैट कैन बी सीन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर क्या स्पिरिट आपको बताना चाहती है नेक्स्ट मेजर शिफ्ट के बारे में, क्या गाइडेंस है. सो वी हैव द काइंडनेस एंड नर्चरिंग कार्ड. सो आई फील अगेन, जैसे यहाँ पर लाइट नज़र आ रही है इस पर्सन के हाथ में. तो यू हैव सम स्किल्स ऑफ हैंड्स विद यू. कैन हैव वीनस मर्करी कंजंक्शन इन योर चार्ट पाइल वन इन द मेन बोर्ड होरोस्कोप, या फिर दशांशा चार्ट में भी, या नवांशा चार्ट में भी, या द्वारदमशा चार्ट में. यू हैव दैट वीनस एंड मर्करी कंजंक्शन, या फिर सन मर्करी वीनस कंजंक्शन, 3 प्लैनेट्स का कंजंक्शन होना.
एंड अगेन वी सी यहाँ पर एक योगी वाला ताज इस पर्सन ने पहना हुआ है. सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक योग भी जो है ना, मेडिटेशन भी जो है ना, वो सेल्फ अवेयरनेस की स्टेज है. वो ऐसी स्टेज है जहाँ पर हम अपने आप को जानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं, गो विद इन करते हैं हम, इनवर्ड, अंदर की तरफ, हमारे अंदर क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश करते हैं. तो लाइक वो सेल्फ रिफ्लेक्शन का यहाँ टाइम नज़र आ रहा है. एंड अगेन यू आर द आर्टिस्ट पाइल नंबर टू, एंड कीप ऑन नर्चरिंग योर आर्ट. ऑल राइट, कीप ऑन यू नो फ्लरिशिंग इन दिस आर्टिस्टिक फील्ड. आप अपने आर्टिस्टिक फील्ड में, आप अपने आर्टिस्टिक करियर में आगे बढ़ते हो नज़र आ रहे हो, ये मेजर शिफ्ट है. आप मेन स्ट्रीम चीज़ों को छोड़ रहे हो, ये मेजर शिफ्ट है. आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो, आउट ऑफ द वे जाके काम कर रहे हो. आपके मेजर शिफ्ट ये भी, आपका परिवार आपको सपोर्ट करने लगेगा, जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम है उधर से आपको सपोर्ट मिलेगा. ऑल राइट, सो या दैट वॉज इट, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू पायल नंबर टू. एंड एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑफ कोर्स, और यू कैन हैव योर आत्माकार का सन, या फिर आत्माकार चर आत्माकार का आपका मार्स भी हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट. और जो अमत और मर्करी भी आपका आत्माकार का हो सकता है पाइल नंबर टू. वीनस आपका मत्यकार का भी हो सकता है. इस अगेन साइंस और नक्षत्र की हम बात करें तो सन मून राइजिंग आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट असेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड कैन बी प्लेस्ड इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन द साइन ऑफ एक्वेरियस, या फिर इन द साइन ऑफ पाइसिस एज वेल. एंड आई विल से के इवन जेमिनाई साइन, और जेमिनाई भी, और ऐसे जेमिनाई में जैसे मृगशिरा, वी हैव आर्द्रा, वी हैव पुनर्वसु, और जो कैप्रिकॉर्न है उसके अंदर वी हैव उत्तरा अषाढ़ा, श्रावण धनिष्ठा, और एक्वेरियस में भी स्पिल करता है धनिष्ठा, फिर सतविशाख, वी हैव पूर्व भद्रपदा, देन पाइसीज में वी हैव पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. तो उत्तर भद्रपदा ऐसे नक्षत्र है हु डिग डीप इनटू समथिंग, हु डाइव डीप इनटू समथिंग, और जल्दी से उससे बाहर नहीं निकलते. जैसे पीएचडी जो होते हैं या पीएचडी जो कर रहे होते हैं, उनके यही मन में रहता है कि मेरे को कंप्लीट करनी है थीसिस, मेरे को अपनी थीसिस बनानी है, उसमें ही रिसर्च करते रहते, उसी में ही डाइव डीप करते रहते. तो उसी तरह एक जिसको हम कहते हैं ना सनक पड़ जाना, सनक सन की हो जाना, तो एक तरह से वो सनक यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है. और बीइंग टू पैशनेट अबाउट समथिंग, ये मेजर शिफ्ट, और उसके लिए आप एफर्ट्स करना यहाँ पर शुरू करते हो नजर आ रहे हैं, या फिर आपके एफर्ट्स जो है वो अब उनका गुड रिजल्ट भी आ सकता है सेवन वीक्स फ्रॉम नाउ या सेवन डेज फ्रॉम नाउ, दैट कैन हैपन. नंबर 25 बिकम्स इम्पॉर्टेंट. जैसे 25 जो डेट है किसी भी मंथ की वो इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए. और या अगेन कैप्रिकॉर्न इज अबाउट वर्क एंड एफर्ट, और एक्वेरियस है गेन्स फ्रॉम द करियर. दैट्स वाई ये जो है ये साइन यहाँ पर प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं आपके मेन बोर्ड हॉरोस्कोप में, या D9 चार्ट में, या फिर D10 या D12 चार्ट में. इनमें प्लांट्स प्लेस्ड जरूर 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 होंगे. और या दैट वाज इट फॉर यू पाइल नंबर टू. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट यू फील अबाउट योर रीडिंग, हाउ इट रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. एंड अगेन वी हैव द नंबर 44. 4 + 4 इज 8. 8 इज अगेन अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. तो कहीं ना कहीं आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. अब आप अपने आप को उस तरीके से सजा रहे हो, उस तरीके से संवार रहे हो जो आपको हमेशा से करना था. मे बी मेनी ऑफ यू कैन गेट सम हेयर कलर डन, हेयर कट डन, मतलब आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस भी अपनी मर्जी से बना रहे हो. वो मेरे बारे में ये सोचेंगे, वो ऐसा कह देंगे, वो चीज़ें अब मैटर नहीं करी. जैसे आपका मन करता है आप वैसे रह रहे हो, वैसे कपड़े पहन रहे हो, वैसे आप हेयर स्टाइल रख रहे हो, वैसे बन के आप रह रहे हो. दैट कैन इवन बी सीन. कोई फिजिकल अपीयरेंस में भी काफ़ी चेंजेस यहाँ आते हुए नजर आ रहे हैं. ऑल राइट. And yeah, like do write angel blessing in the comment section below pile number 2, and also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 2. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी.
हेलो पाइल नंबर थ्री. सो दिस इज योर रीडिंग. यू चोज द विलन कार्ड हेयर. इट सेज यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी. आई डू फील पाइल नंबर थ्री दैट लाइफ इज गिविंग यू सेकेंड चांस. अगर आपको लगता था ना कि मेरा चांस चला गया, जिंदगी ने जो मुझे चांस दिया था वो मेरे हाथ से मैं गवा चुका हूँ, ऐसा नहीं है. लाइफ आपको फिर से एक और चांस दे रही है. आई एम गेटिंग दिस इंट्यूएशन दैट लाइफ इज गिविंग यू सम मोर चांसेस हेयर. यू आर री राइटिंग योर स्टोरी. तो यहाँ पर मेन टैरो से क्या इंडिकेशन है, क्या इंफॉर्मेशन है अबाउट योर मेजर शिफ्ट विच इज़ गोना हैपन इन योर लाइफ. पाइल नंबर थ्री की लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट है. पाइल नंबर थ्री की लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट है. ओके, वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स. ऑलराइट, देन वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, देन वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्ड्स. ऑलराइट, Wheel of Fortune. Then we have the Hermit. End of the deck mein we have the Five of Swords. एंड ऑफ द डेक में जो भी कार्ड आते हैं ना वो हमारी इनर सेल्फ को शो करता है या वॉट इज गोइंग इन द बैक ऑफ आर हेड उसको शो करता है. तो कहीं ना कहीं यू आर अ पीपल प्लीजर पाइल थ्री. आप कहीं ना कहीं अपनी खुशी को साइड कर सकते हो दूसरों को प्लीज करने के, यानी यू कैन सेक्रीफाइस योर ओन लाइफ, आपकी जो भी चाहते हैं आप उनको सेक्रीफाइस कर सकते हो दूसरे लोगों के लिए. बहुत दिल आपका बड़ा है, बट एट द सेम टाइम इससे उदासी होती है. दिल बड़ा तो कहेंगे पर ये शो हो रहा है कि, और आई शुड से वार्म हार्टेड तो आप हो पर इतना भी दिल बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर दिल बड़ा होता तो ये दुख नहीं होता. एक जो नेचुरल पिलेंथ्रोपिस्ट या ये कह लो कि इवन दो लाइक नो आई एम सेइंग द रॉन्ग थिंग, पिलेंथ्रोपिस्ट की बात नहीं है, इट जस्ट कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो, बट साथ में कहीं ना कहीं अंदर ये एक्सपेक्टेशन भी है कि दूसरा पर्सन मेरी मदद करे. अगर मैंने उसकी मदद करी है तो वो भी मेरी मदद करे. दान क्या होता है, पिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है, नेचुरल पिलेंथ्रोपिस्ट वो होता है या दानी वो होता है जो दान दे के भूल जाए कि उसने दान दिया भी है, उसने कुछ समय एनर्जी कुछ दिया भी है, लेकिन वो सब वो भूल जाए या टाइम पैसा दिया वो भूल जाए, दान उसी को कहते हैं. अगर एक्सपेक्टेशन रखते हो कि ये मनी मैंने दान दिया डबल होके आएगा या फिर मैंने इसके लिए करा तो ये भी मेरे लिए कुछ करेगा, तो ये दान नहीं है, फिर ये बिजनेस है. आप कुछ दे रहे हो वो भी आपको कुछ इन एक्सचेंज दे, इसको हम दान नहीं कहते, इसको बिजनेस कहते हैं. तो समहाउ वार्म हार्टेड तो हो पर बहुत बड़ा दिल नहीं है, और आपको तकलीफ होती है जब आप किसी के लिए कुछ करो और दूसरा आपके लिए ना करे. तो इससे बेटर यही है कि आप अपने ऊपर ही फोकस कर लो, क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेशन है ये आपको ख़राब करती है या आपके पीस ऑफ माइंड को लेकर जाती है. रिसेंटली आपने किसी के लिए कुछ करा है, मे बी किसी को बहुत अच्छी एडवाइस दी है, किसी को रास्ता दिखाया है, किसी को अपना समय दिया है, और उस दूसरे पर्सन ने आपकी एडवाइस की बड़ी डिसरिगार्ड करी है, उसने जैसा आपने उसे समझाया उसने वैसा नहीं करा है, इनफैक्ट आपकी गॉसिप ही कर दी दूसरों के सामने. तो लाइक somehow यू फील दैट यू डू सो मेनी थिंग्स फॉर अदर पीपल और दूसरे लोग आपके लिए कुछ भी नहीं करते. सी, आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो बहुत बढ़िया बात है, पर अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरा आपके लिए करे ये ज़रूरी नहीं. आपको मदद कहीं और से मिल जाएगी, जो आपको मदद चाहिए भगवान बैठा है वो देख रहा है, वो कहीं ना कहीं से मदद आपकी कर देगा, क्योंकि अच्छे का रिजल्ट अच्छा ही होता है. तो उस पर्सन के थ्रू क्या पता ना हो पर किसी और पर्सन के थ्रू आपको कोई और मदद मिल जाए, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाए.
पर ये एक्सपेक्टेशन आपको ख़त्म करनी चाहिए कि दूसरा भी मेरे लिए कुछ करेगा. यू आर समवन पाइल नंबर थ्री जो बहुत कमिटेड है, जो बहुत लॉयल है, एंड आप यही चीज़ एक्सपेक्ट करते हो दूसरों से भी. पर दूसरा लॉयल और कमिटेड ना हो तो, क्योंकि नेचर तो हर किसी का डिफरेंट होता है. तो यहाँ थोड़ा जो शिफ्ट नज़र आ रहा है ना आपके अंदर पाइल नंबर थ्री, वो इमोशनल शिफ्ट ज़्यादा है. मतलब ऐसे करियर वाइज फिजिकली ऐसे भी शिफ्ट हो सकता है, बट अभी जो यहाँ समझ आ रहा है वो यही है कि इमोशनली आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हो. अगेन जो हर्मिट कार्ड है वो भी एक वाइज पर्सन को शो करता है. जो पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी सारी अप्स एंड डाउन से गुजर चुका है, वैसे जो राइडर वेट्स का टैरो डेक है, जो मेन टैरो डेक है, उसके अंदर एक बूढ़ा इंसान दिखाया गया है लालटेन के साथ, जो अपनी लाइफ के काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन से गुजर चुके हैं, जिसने लाइफ देखी है. लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज बेड ऑफ रोजेज, इट कैन बी बेड ऑफ थॉर्न्स. ये चीज़ समझी है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ये जानता है ये बूढ़ा व्यक्ति हर्मिट वाला प्रॉब्लम्स का. सो विद द हर्मिट कार्ड यू आर बिकमिंग दिस इंडिविजुअल. यू आर एन ओल्ड सोल पाइल नंबर थ्री. आप पास्ट लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स से गुजरे हो, इस लाइफ टाइम में आप उन प्रॉब्लम्स में उलझोगे नहीं ज़्यादा. आप दूसरों को इनफैक्ट गाइड कर सकते हो उन प्रॉब्लम्स में, पर कुछ नई चीज़ें हैं जो आप इस लाइफ टाइम में ज़रूर सीखोगे और उसमें अटकोगे भी, फेल भी होगे, बट उसके बाद आप वो चीज़ें भी सीख जाओगे. यहाँ पर व्हाट आई एम लाइक सीइंग हियर, जो मेजर शिफ्ट है वो आपकी लाइफ के प्लान्स के बारे में. मे बी आपने कोई चीज़ प्लान करी थी कि मैं ऐसा करूँगी फ्यूचर में, मैं वैसा करूँगी अपने फ्यूचर में, वो प्लान चेंज हो गया. वो प्लान चेंज हो गया. इफ़ यू लाइक वर इफ़ लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्लान जो था वो एक कॉरपोरेट जॉब करने का था, आप MBA करना चाहते हो, फिर उसके बाद आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करना चाहते हो, बट फिर सडनली कोई ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी रियलाइजेशन होती है आपकी, लाइक यू नोटिस कि वो जो लोग काम कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, उनकी क्या हालत हो गई है. दे बिकेम कॉरपोरेट स्लेव्स, सम ऑफ देम रियली रियली बिकेम कॉरपोरेट स्लेव्स. आपने वो चीज़ नोटिस करी, आपने दूसरे लोगों को देखा उनकी क्या हालत है, एंड देन यू लिटरली चेंज्ड. अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून जो है शो करते है एक चेंज को, एक साइकिल ख़त्म हुआ है, एक नया साइकिल जो है वो शुरू हुआ है, एंड देन यू सॉ कि अरे लाइक दिस इज़ नॉट द पाथ. लाइक ऐसी कितनी सारी यू नो आज की डेट में इवन वर्ल्ड में जो है ऐसे कितने सारी एजुकेशन्स हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं, और कई कोर्सेज का तो पक्का पता है कि इसको कोर्स करके कोई नौकरी नहीं मिलने वाली. एंड आई थिंक अभी फ्यू डेज बैक मेरी न्यूज़पेपर पर नज़र पड़ी, अगेन आई एम नॉट समवन जो न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ता है, बट सडनली एकदम मेरी नज़र पड़ी थी दी यू नो द ऋषि सुनक ओनली, लाइक ही सेड दिस इन UK के वो जो कोर्सेज हैं जिनको करके कोई जॉब नहीं मिलने वाली, उस कोर्स को हम बंद कर रहे हैं. सिंपल, जिससे कुछ होने ही नहीं वाला, जिस एजुकेशन से कुछ होने ही नहीं वाला, वो हम एजुकेशन ही हटा रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन गोल है ज़्यादा जॉब्स या हमें जॉब मिले, ये हमारा मेन फोकस है. तो उन्होंने वो एजुकेशन ही, वो कोर्स ही ख़त्म कर देने, लाइक उनका ये बोलना था, एंड दिस इज़ क्वाइट ट्रू. अगर किसी कोर्स से आगे चल के कोई है ही नहीं, कोई आगे कोई बन ही नहीं सकता कुछ, तो उस कोर्स का, उस एजुकेशन का क्या फ़ायदा है. आप अपना साल ख़राब करोगे, आप अपना एनर्जी समय ख़राब करोगे. तो लाइक हियर एज वेल समहाउ यू फेल्ट कि इस कोर्स का, इस एजुकेशन का जो है कोई है नहीं, मतलब इसको करके कुछ होने नहीं वाला है, या इस जॉब में, इस लाइन में आगे कुछ होने नहीं वाला है, तो आप वो प्लान ही चेंज करो. ये मेजर शिफ्ट है. हर्मिट कार्ड ये शो कर रहा है दैट यू विल सीक सम गाइडेंस फ्रॉम समवन जो ओल्ड वाइज एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, एक टीचर, टीचर एडवाइज़र, काउंसलर है, उससे आप वो यू नो जानने की कोशिश करोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनसे कोई एडवाइस ले सकते हो, या फिर आप अपनी इनर सेल्फ से, जो आपके अंदर इनर गाइड है, जैसे हम कहते हैं ना हमारे अंदर एक बच्चा है, देर इज अ इनर चाइल्ड, उसी तरह हम सभी के अंदर एक बुजुर्ग भी है. तो जो आपका इनर वो बुजुर्ग जो है, अंदर का बुजुर्ग जो है, वो क्या कह रहा है उसको सुनो, क्योंकि वो आपकी पास्ट लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है उस पर बेस्ड होगा,
और आपकी इस लाइफ टाइम में भी वो एक्सपीरियंस काम आएंगे, वो विजडम काम आएंगे. तो आप अपने आप से भी पूछो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. एंड अगेन आई डू फील करियर में कोई मेजर शिफ्ट है, करियर के प्लान में कोई मेजर शिफ्ट है, एजुकेशन में कोई मेजर शिफ्ट है. यू वॉन्ट टू री राइट योर स्टोरी. तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है. एंड हेयर एज वेल यू आर डिस्कसिंग थिंग्स विद मे बी योर फ्रेंड्स, मे बी योर पेरेंट्स, यू मे बी समवन एल्स. यू आर डिस्कसिंग, आप डिस्कस करो कि मुझे क्या करना चाहिए और यू आर गोना टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजन. और आप बहुत खुश होगे इन फ्यूचर कि शुक्र है मैंने ये डिसीजन ले लिया था, मैंने अपना पाथ बदल लिया था, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल होता, आज लाइफ बहुत मुश्किल होती. तो ये अभी का बदलाव आपकी आने वाली जिंदगी को बहुत अच्छा कर देने वाला है. समथिंग मोर अबाउट द मेजर शिफ्ट विच इज गोना हैपन इन पाइल नंबर 3's लाइफ. ओके, वी हैव एक्सपेंशन हियर एज वेल. वी हैव अ गुरु, वी हैव द आउल विच रिप्रेजेंट्स विजडम, वी हैव द माउथ एयर जो कि काम में आता है. किसके काम में आता है? कम्युनिकेशन के. एयर एलिमेंट, साउंड वेव्स ट्रैवल्स इन एयर. कोई ऐसा आइडिया ग्रो हो रहा है आपके अंदर. एंड अगेन डेस्टिनी इज कमिंग टू यू और इज हेल्पिंग यू आउट. आपके पास विजडम भी है, इंटेलिजेंस भी है, आपके पास आपका कम्युनिकेशन भी है जिससे आप दूसरों को बता सको दैट आई वॉन्ट टू डू दिस. यू कैन अगेन यू कैन हैव मर्क्यूरी वीनस कंजंक्शन जो कि बहुत अच्छा कंजंक्शन है फॉर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर. सन मर्क्यूरी वीनस कंजंक्शन इज वेरी गुड कंजंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. इट्स अ कंजंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर प्लस इट्स अ कंजंक्शन अबाउट अ वेरी क्रिएटिव इंडिविजुअल. और ये कंजंक्शन शो करता है दैट यू हैव स्किल्स ऑफ हैंड्स, यू हैव स्किल्स ऑफ मीडिया मार्केटिंग स्किल्स, सेल्स एंड ब्यूटी फैशन डिजाइनिंग. क्योंकि वीनस ब्यूटी फैशन डिजाइनिंग ब्राइट कलर्स है और जो मर्क्यूरी है वो सेल्स है, अकाउंटेंसी है, मीडिया है, स्किल्स ऑफ हैंड्स है, एकेडमिक चीज़ों एकेडमिक्स को शो करता है, एजुकेशन को शो करता है. सन इज़ पुटिंग अ स्पॉटलाइट ओवर सन एंड वीनस बोथ. तो इन दोनों की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर रहा है सन. तो आपके पास ये कंजंक्शन भी हो सकता है इन द मेन बोर्ड हॉरोस्कोप या फिर D9 चार्ट या फिर D12 चार्ट के अंदर या फिर दशमशा के अंदर. एंड हियर यू विल नोटिस द मेजर शिफ्ट इज़ गोना बी कि जो आप जिस करियर के बारे में आप बड़ा शुरू से पैशनेट रहे हो अपनी लाइफ में, जो आइडिया आपके अंदर ग्रो कर रहा है, अब वो सच में प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है. और आपके वर्क में एक्सपेंशन आ सकता है. अगर आप ऑलरेडी करियर में और ऑलरेडी बिजनेस में हो तो वो बिजनेस एक्सपैंड कर सकता है, बढ़ सकता है, काम बढ़े आपका और उससे मनी आए आपको. दैट कैन बी सीन. समथिंग मोर वी हैव सोलमेट कार्ड. सो दिस सोलमेट कार्ड हियर सिग्निफाइज द थर्ड आई. और ये सिग्निफाई करता है कि तीसरी जो है एक सी जो तीसरी आई है वो डिस्ट्रक्टिव भी हम कह सकते हैं, डिस्ट्रक्शन की आई भी हम कह सकते हैं. तो देयर इज सम डिस्ट्रक्शन टू कंस्ट्रक्ट समथिंग न्यू. यू कैन अगेन हैव मूला नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र प्रोमिनेंट इन योर चार्ट. जैसे मूला नक्षत्र द गॉडेस ऑफ काली, गॉडेस ऑफ काली का नक्षत्र, इट वॉन्ट्स टू डिस्ट्रक्ट सो दैट शी कैन कंस्ट्रक्ट समथिंग न्यू. आर्द्रा इज अ नक्षत्र अबाउट शिवा, रुद्र, हु इज द फियर्स्ट फॉर्म ऑफ शिवा. और उसने हर चीज़ आर्द्रा पोक द आईज ऑफ ब्रह्मा. एक्चुअली नो, ही पोक्ड समवन्स आईज एंड चॉप्ड द हेड ऑफ ब्रह्मा, सैबोटाइज द हवनाजन यजनाज. सो बेसिकली डिस्ट्रक्शन का एक तरह से सिग्निफिकेटर है. और फिर जो उत्तर फाल्गुनी, इट्स अगेन अबाउट शिव एंड पार्वती. उत्तर फाल्गुनी वो नक्षत्र है जिसमें शिव और पार्वती बिकेम वन, दे गॉट मैरिड. सो दैट्स वाई इट्स अ प्रॉस्परस नक्षत्र. और काफ़ी लोग उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में मैरिज करते हैं जब मून उत्तर फाल्गुनी में ट्रांजिट करता है. इट्स अबाउट लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप. और लॉन्ग टर्म बिजनेसेस शुरू करने हैं तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के टाइम शुरू करने चाहिए, उत्तर भद्रपदा नक्षत्र के टाइम पर शुरू करने चाहिए. क्योंकि उत्तर भद्रपदा और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र ऑपोजिट टू ईच अदर है. तो इस टाइम पर जब भी मून नक्षत्र इसमें ट्रांजिट करे तो कोई भी लॉन्ग टर्म चीज़ शुरू करना, चाहे मैरिज है चाहे बिजनेस है, बहुत अच्छा माना जाता है, प्रॉस्पर्स ऑस्पिशियस माना जाता है. तो ये जो सोलमेट का कार्ड है, इट अगेन सिग्निफाइज कि डिस्ट्रक्शन तो हो रही है टू कंस्ट्रक्ट समथिंग न्यू.
और मोस्ट प्रोबेबली ये डिस्ट्रक्शन जो है आपके करियर में हो रही है, सो दैट यू कैन कंस्ट्रक्ट अ न्यू करियर. हो सकता है थोड़ा पेनफुल आपको लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, बट कहीं ना कहीं ये डिसीजन भी आप खुद ले रहे हो जो जो जहाँ तक यहाँ नज़र आ रहा है. क्योंकि ये जो थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये प्लानिंग को शो करता है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग को शो करता है. शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म, दूरदृष्टा. तो दूर की सोच के आप चल रहे हो, तो यू नोटिस कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जिस लाइन में मैं हूँ, उसमें मुझे अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा. इस वजह से आप बदलाव करोगे अपने करियर के अंदर. सो दिस कैन बी सीन. कई बार हमें लगता है कि हम ये काम कर लेते हैं, इससे क्विक मनी आ जाएगा, बट अ थिंग इज दैट वी आर अनएबल टू इमेजिन आवर सेल्फ डूइंग द सेम थिंग फॉर ईयर्स. हम वो इमेजिन नहीं कर पाते इतने सालों तक हम सेम काम करें, वो हम इमेजिन नहीं कर पाते. और वही आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, आप दूसरे लोगों को भी देख रहे हो, उनसे भी सीख रहे हो. एक तरह से देखने से भी आपकी ऑब्जर्वेशनल पावर जो है वो भी आपको काफ़ी सच्चाई, रियलिटी दिखा रही है. मैनी ऑफ यू अगेन कैन ट्रैवल टू डिस्टेंट फार अवे फॉरन प्लेसेस. आप में से काफ़ी लोग नई गाड़ी, नया कोई व्हीकल ले सकते हो, नया घर भी ले सकते हो. अभी से वी कैन से 6 months फ्रॉम नाउ या 6 weeks फ्रॉम नाउ. सो वी हैव द मेटल किंग. ऑलराइट, इट सेज डिसिप्लिन, आर्मर, बाउंड्रीज. सो यहाँ पर आप हेल्दी बाउंड्रीज भी बनाते हुए नज़र आ रहे हो दूसरों के साथ, जो कि हम बात कर रहे थे इस डेक को शो, इस कार्ड को शो करके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स को, कि दैट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम अदर पीपल. यू शुड नॉट इवन एक्सपेक्ट अ लिटिल फ्रॉम अदर पीपल. जिनकी आपने मदद करी, हो सकता है वो आपकी मदद करे ना. सो हैविंग नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर पीपल, कहीं से आपके लिए मदद आ जाएगी. और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज भी क्रिएट कर रहे हो. डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आ रहा है. आर्मर हमें जो है किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से बचा सकता है, किसी भी तकलीफ से बचा सकता है. तो अगेन हेल्दी बाउंड्रीज आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो. डिसिप्लिन आपके अंदर यहाँ पर नज़र आ रहा है इन द नियर फ्यूचर. आप काफ़ी डिसिप्लिनड हो गए हो लाइफ में, दैट कैन बी सीन. Then we have sisters of the season. It says cycles of growth, natural law, divine order. जो cycle है ख़त्म होता है फिर नया शुरू होता है, right? ऐसा ही होता है. ये circle तो है नहीं कि एक बार शुरू हुआ तो और एक ही बार ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है. ये cycle है जो शुरू हुआ है तो ख़त्म भी होगा और फिर नया cycle शुरू होगा. So something is about to end in your career and something new which is way better than right now. Like जो भी आप चीज़ कर रहे हो अपने करियर में, उससे वे बेटर होने वाली है नेक्स्ट चीज़ जो आने वाली है आपके करियर में. सो न्यू साइकिल एंड करियर इज़ गोना स्टार्ट. और नेचुरल लॉ, आई फील कि आप अपनी तरफ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करने वाले हो. और हर चीज़ ऑर्डर प्रमाण आएगी, यानी ऑर्डर से आएगी, असेंडिंग ऑर्डर में आएगी. मतलब ग्रोथ जो है वो स्टेप बाय स्टेप होती हुई नज़र आ रही है. सो अगेन, इट्स नॉट वन स्टेप सक्सेस फॉर यू पाइल नंबर 3. ऐसा नहीं है वन स्टेप सक्सेस, एक रात में कुछ बन गया, ऐसा नहीं है. धीरे 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 यू आर बिल्डिंग योर कैसल, यू आर बिल्डिंग योर लाइफ, दैट कैन बी सीन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आपके मेजर शिफ्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है. वी हैव द पर्सीफोन. इट सेज न्यू बिगिनिंग्स. सो या, न्यू बिगिनिंग्स तो यहाँ पर है ज़रूर, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स. एंड वी सी अ स्प्रिंग टाइम एज वेल. तो कोई चीज़ ख़त्म हो रही है और कोई नई चीज़ शुरू हो रही है, वो भी स्प्रिंग टाइम से ही शुरू हो रही है, राइट? जैसे कई लोग बिजनेस करते हैं तो वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक साल तक हमें कोई रिटर्न आएगी. मतलब हमने जो पैसा इन्वेस्ट करा है कि पता नहीं वो एक साल तक वापस आएगा या नहीं आएगा, डबल छोड़ो वही पैसा वापस आ जाए, लाइक ऐसा होता है. वेयर इज आप जैसी वो नई चीज़ शुरू करोगे ना अपनी लाइफ में, अपने करियर में, आपको वैसी एक स्प्रिंग टाइम देखने को मिलेगा. आपको जैसी अब वो नया काम शुरू करते हो, आपको उसमें वेल्थ आती हुई दिखेगी, फेम आता हुआ मिलेगा. तो सडनली वो जैसी आप वो स्टार्ट करो, उसी में स्प्रिंग टाइम आपके लिए आ गया उस काम के लिए. लाइक जो भी आप एफर्ट करो वो ब्लूम करो, उस एफर्ट से आपको गुड रिजल्ट मिलेगा, मनी आप अर्न कर पाओगे, फेम आपको मिलेगा, दैट कैन बी सीन. सो लक एंड फॉर्च्यून वो आपके साइड में है, डेस्टिनी आपका साथ दे रही है. एंड इट कैन इवन हैपन पाइल नंबर 3 दैट यू कैन रन योर सजिटेरियस अंतर दशा और महादशा इन द चरा दशा सिस्टम.
इफ यू आर रनिंग द अंतरदशा या महादशा ऑफ जुपिटर, दैट कैन इवन हैपन इन द विमशोत्री महादशा स्कीम, विमशोत्री स्कीम. ऑल राइट, एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो जेमिनी, लियो, वर्गो, सेजिटेरियस, ये साइंस हैं. जेमिनी में वी हैव मृगशिरा, वी हैव आर्द्रा एंड पुनर्वसु. लियो में मागा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, और उत्तर फाल्गुनी स्पिल करता है वर्गों में. और वर्गों में वी हैव हास्ता एज वेल, वी हैव चित्रा. और सेजिटेरियस में वी हैव मूला, पूर्वा अषाढ़ा एंड उत्तरा अषाढ़ा. तो उसमें प्लैनेट प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर D9 चार्ट, या फिर D12 चार्ट, या फिर दशांशा में भी हो सकते हैं प्लैनेट प्लेस. सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी प्लेस्ड इन दीज साइंस, इन दीज नक्षत्रस. ऑल राइट, पाइल नंबर 3. सो दैट वॉज इट, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू. एंड ये नेक्स्ट जो है आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट आता हुआ नजर आ रहा है. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट यू फील अबाउट योर रीडिंग, हाउ इट रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. लेट मी नो एंड ऑल्सो राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक दिस वीडियो रीडिंग एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग, आई डू एस्ट्रो टैरो रीडिंग एंड नक्षत्र कुंडली रीडिंग. यू कैन बुक योर सेल्फ फॉर रीडिंग फ्रॉम माई वेबसाइट. द लिंक टू माई वेबसाइट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. And if you are interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.